जय श्री कृष्णा बच्चों, आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में आगे बढ़ते हैं और फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग एक्सेलरेटिंग फ्लूइड को पढ़ने जा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई कंटेनर होता है और कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ है और कंटेनर को एक्सेलरेट कराने लगते हैं। तो उसके अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर कैसे वेरी करेगा और किस तरह से होगा, जैसे मान लीजिए यहां पर है, इसको एक एज एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि जैसे ये दिख रहा होगा आपको, ये बॉटल है, बॉटल के अंदर पानी भरा हुआ है। अब एकदम से अगर मैं बॉटल को एक्सेलरेट कराऊं तो जो पानी का सरफेस है थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। अगर आप एकदम से एक्सेलरेट कराएंगे तो पानी का सरफेस हल्का सा बेंड हो जाएगा। तो अब जैसे देखिए, ये मान लीजिए लिक्विड है और हम इस लिक्विड को एक्सेलरेट करा रहे हैं और स्टेडी स्टेट आ गया है। तो अगर स्टेडी स्टेट आ गया तो लिक्विड का जो सरफेस है ना, वो इस तरह से नहीं होगा, फिर लिक्विड का जो सरफेस होगा वो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, ऐसे इस टाइप से हो जाएगा। लिक्विड का जो सरफेस है वो हल्का सा तिरछा हो जाएगा ऐसा। अब ऐसा हो जाएगा तो अब इससे क्या असर पड़ेगा और अलग अलग जगहों पर प्रेशर कैसे वेरी करेगा, ये समझने के लिए मैं यहां पर क्या करने जा रहा हूं, एक पॉइंट यहां पर मैं ए ले रहा हूं और एक पॉइंट यहां पर मैं बी ले रहा हूं। एक पॉइंट ए ले लिया मैंने, एक पॉइंट बी ले लिया। अब ये दो पॉइंट ए और बी हैं, अगर हम इन दोनों पे प्रेशर की वैल्यू निकालना चाहें तो अभी तक मैं ये बोलता था कि सेम हाइट पे प्रेशर सेम होता है, लेकिन वो तब था जब लिक्विड एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। अगर एक्सेलरेट करेगा तो सेम हाइट पे प्रेशर सेम नहीं रह जाएगा। वैसे भी देखो इसका हाइट अलग है, मतलब यहां पर अलग आएगा, मतलब ये H1 मान लो, H2 मान लो, तो यहां ज्यादा आना चाहिए, यहां कम आना चाहिए। तो A और B पे जो प्रेशर आएगा वो कितना आएगा, ये निकालने के लिए मैं AB डिस्टेंस को L मान लेता हूं और यहां पर एक छोटा सा मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा। यहां पर मैं पानी का सिलेंडर ले रहा हूं, पानी का सिलेंडर। ये सिलेंडर ऐसा नहीं कि हम अलग से कोई लेके आए हैं, यहां पर डाल दिया है, पानी का एक सिलेंडर मैंने लिया और मैं इसकी एनालिसिस करने जा रहा हूं। तो ये पानी का जो मैंने सिलेंडर लिया हुआ है, इसका अगर मैं एफबीडी बनाऊं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस दिखाऊं इसके ऊपर, तो इसके ऊपर यहां से एक फोर्स लग रहा होगा प्रेशर एट ए इंटू ए, यहां से लग रहा होगा प्रेशर एट बी इंटू ए, प्रेशर एट ए इंटू ए इधर से लग रहा होगा और इधर से लग रहा होगा प्रेशर एट बी इंटू ए। और देखा जाए तो कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, ये वाला नहीं, पी ए इंटू ए बड़ा होगा। भाई ये एक्सेलरेट इधर कर रहा है ना, जिधर एक्सेलरेशन होता है उधर के फोर्सेस ज्यादा होते हैं, तो ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है तो इस वजह से इस डायरेक्शन के फोर्सेस ज्यादा होंगे। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में इक्वेशन लिखूंगा तो पी ए इंटू ए माइनस पी बी इंटू ए, ये नेट फोर्स हो जाएगा। जो भी नेट फोर्स होता है किसी भी बॉडी पे, न्यूटन ने बोला था कि जो भी नेट फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो इसका जो मास आएगा, मास इसका आएगा डेंसिटी इनटू इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए इनटू एल। ये जो सिलेंडर है इसका मास होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू ए इनटू एल हो जाएगा इनटू एक्सेलरेशन। काट पीट करेंगे तो ए से ए चला जाएगा और पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू रो ए एल आ जाएगा। पी ए माइनस पी बी जो आएगा ये रो एल के बराबर जाएगा। ए और बी के प्रेशर का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू रो ए एल, ये पी ए माइनस पी बी की वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो पी ए माइनस पी बी है ये सेम हाइट पर अगर देखें, अगर एक्सेलेटिंग फ्लूड है तो सेम हाइट पे जो प्रेशर का डिफरेंस आता है वो इसके बराबर आ जाता है। इस बात को नोट करें आप लोग। इसमें मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं आपको, वही जो मैंने अभी आपसे कराया उसी पे क्वेश्चन है। सपोज करिए कि एक कंटेनर है जो ए एक्सेलेरेशन से जा रहा है और जो लिक्विड का सरफेस है थोड़ा तिरछा हो जा रहा है, तो यही आपको बताना है कि ये जो सरफेस है ना, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एंगल मेड बाय द सरफेस विद हॉरिजॉन्टल इन स्टेडी स्टेट। Find the angle made by the surface with horizontal in steady state. Angle made by the surface
विद हॉरिजॉन्टल इन स्टेडी स्टेट। हाँ बोले। तो देखिए भाई, इसके अंदर हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, तो इसमें मैं दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, मैं दोनों तरीके आपको सिखाऊंगा। जैसे मैं मान लेता हूं कि ये ए है, ये बी है, ठीक है, ए हो गया, ये बी हो गया, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस एल के बराबर हो गई और ये डिस्टेंस एच के बराबर हो गई, ठीक है, ये डिस्टेंस ए के बराबर हो गई, ये एच के बराबर हो गई, और हम अगर देखें तो टाइन थीटा की जो वैल्यू आएगी ये बराबर जाएगी एच बाई एल। किसी तरह से ये इनके इन प्रकार हैं, हम एच बाई एल अगर निकाल लें तो टेन थीटा आ जाएगा। एच बाई एल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इधर आ जाएं, ये एक्सेलेटिंग लिक्विड है तो ए और बी के बीच जो प्रेशर का डिफरेंस आएगा पी ए माइनस पी बी, ये हो जाएगा रो ए एल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एक्सेलेटिंग लिक्विड होता है तो सेम हाइट पे प्रेशर का डिफरेंस ही आता है। अगर मैं ए का प्रेशर लिखूं तो यहां का प्रेशर प्लस इतनी हाइट का प्रेशर हो जाएगा, यहां का प्रेशर पी नॉट है तो ये हो जाएगा पी नॉट प्लस रो जी एच, और बी का प्रेशर कितना हो जाएगा पी नॉट इज इक्वल टू रो ए एल, पी नॉट से पी नॉट चला जाएगा, रो से रो चला जाएगा, एच बाई एल की वैल्यू आ जाएगी ए बाई जी, एच बाई जो एल आएगा ए बाई जी के बराबर हो जाएगा, तो टैन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी हो जाएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी हो जाएगा। एक इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका भी मैं यहीं पे आपको सिखा दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा आप इसको, ठीक है, मैं समय दे दूंगा। इसमें ये होता है कि अगर लिक्विड स्टेशनरी है, ध्यान से समझिएगा, स्टेशनरी लिक्विड है तो लिक्विड के सरफेस पे जो भी नेट फोर्स लग रहा है ना वो सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा, क्योंकि अगर सरफेस के अलोंग फोर्स आता, अलोंग आता तो फिर लिक्विड जो है मूव कर जाता है ना, उसमें रिलेटिव मोशन चालू हो जाता, तो अब परपेंडिकुलर आएगा तो अंदर से जो मॉलिक्यूल होंगे वो भी नॉर्मल लगाएंगे। तो अगर कोई भी लिक्विड स्टेशनरी है तो जो भी सरफेस पे नेट फोर्स लगेगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी है जो कई जगहों पर काम आती है कि स्टेशनरी लिक्विड में जो भी सरफेस पे फोर्स लग रहा होगा वो नेट फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा। अब जैसे मान लेता हूं कि यहां पर मैं एक छोटा सा मैंने पार्टिकल ले लिया लिक्विड का, एम मास का ले लिया, तो इस पे एक तो नीचे की तरफ एमजी लग रहा होगा, और अगर हम कंटेनर के फ्रेम में जाएंगे तो एक इस पे एमए भी लग रहा होगा। अब जो भी नेट फोर्स इसके ऊपर आएगा एमजी और एमए दोनों मिला के वो जो आएगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर आ जाएगा, जो भी नेट फोर्स आएगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर आ जाएगा। हाँ, मतलब जो भी नेट फोर्स होगा सरफेस पर, जो भी जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सब मिला जुला के वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा। तो अब देखिए ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा। हाँ, अब इस ट्रायंगल में ये छोटा सा जो ट्रायंगल है इसके अंदर अगर आप देखें तो टैन थीटा क्या होगा, एमए अपॉन एमजी, टैन थीटा इज इक्वल टू एमए अपॉन एमजी हो जाएगा, तो टैन थीटा ए बाई जी के, मतलब ऐसे मैं लिख सकता हूँ टैन थीटा इज इक्वल टू एमए अपॉन एमजी, काम की बात यहाँ पे ये समझनी है, बड़े काम की बात है ये कि जो भी लिक्विड के सरफेस पे नेट फोर्स होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये मैं नोट भी कर दे रहा हूं, द नेट फोर्स, नेट फोर्स ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं मैं इंक्लूडिंग स्यूडो फोर्स, मतलब फ्रेम बदलेंगे आप तो स्यूडो आ सकता है, इंक्लूडिंग स्यूडो is perpendicular to the net force including C4 force is perpendicular to the surface considered the net force इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस कंसिडर, जो भी नेट फोर्स है वो हम जो भी सर्फेस कंसिडर कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर होता है, ये एक काम की बात है। क्वेश्चन क्या है समझिए, एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक बर्तन है और बर्तन के अंदर एक पानी लिक्विड भरा हुआ है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, और ये जो इंक्लाइन प्लेन है फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस यह है तो ये बर्तन फिसल रहा होगा, बर्तन फिसलता हुआ आ रहा है और लिक्विड का जो सरफेस है वो इंक्लाइन की लाइन से मान लीजिए अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, द इंक्लाइन इज स्मूथ फाइंड द वैल्यू
ऑफ द फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल अल्फा द इंक्लाइन इज स्मूथ फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल अल्फा इन स्टेडी स्टेट इंक्लाइन स्मूथ है फिसलता हुआ नीचे की तरफ आ रहा होगा तो ये जो अल्फा एंगल दिख रहा है आपको इसकी वैल्यू बतानी है ये इंक्लाइन फिक्स है ये वाला एंगल थीटा है ये पानी भरा हुआ है बर्तन में और बर्तन फिसलता हुआ नीचे आ रहा है तो लिक्विड का सरफेस जो है इस लाइन के साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो आपको इसी अल्फा की वैल्यू बता देनी बताए अल्फा की वैल्यू देखो सवाल ये इसके अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आमतौर पर लोगों का गलती हो जाता है तो ये लिक्विड नीचे की तरफ आ रहा है और जब ये लिक्विड नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा एक्सेलेरेशन होगा जी साइन थीटा यार जितना सब का होता है उतना इसका भी होगा भाई एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा होगा एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा होगा एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू में तो एक्सेलेरेशन होगा जी साइन थीटा अब ध्यान से मेरी बात सुनिए सभी लोग इसका एक्सेलेरेशन होगा जी साइन थीटा अब मैं इस लिक्विड के सर्फेस पे कोई एक पॉइंट ले लेता हूं इसके ऊपर अगर मैं फोर्सेस देखूं तो एक तो नीचे की तरफ mg sin थीटा लग रहा होगा एक इस डायरेक्शन में mg cos थीटा लग रहा होगा एक इधर लग रहा होगा आपका mg sin थीटा एक इधर लग रहा है mg sin थीटा एक इधर mg cos थीटा लग रहा है एक पीछे की तरफ pseudo लग रहा होगा ma ये लग रहा होगा अब by chance देखो a बराबर g sin थीटा हो गया बाई चांस ऐसा हो रहा है कि ए बराबर जी साइन थीटा हो गया तो एम जी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे और बस एक ही फोर्स ये बचेगा एम जी कॉस थीटा और हम ये जानते हैं कि जो भी नेट फोर्स होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा और ये 90 तभी हो सकता है जब अल्फा जीरो हो जाए अदरवाइज ये 90 हो नहीं सकता है तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे जीरो आएगी मैं अपनी बात फिर से बता रहा हूँ फिर से सुन लीजिए एक बार फिर अपना अपना डाउट रखिएगा ये a एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है एक्सेलेरेशन की वैल्यू g sin थीटा होगी अब उसके बाद इसमें अगर ये g sin थीटा से नीचे आ रहा है तो एक तो अगर इसके फ्रेम में देखेंगे तो स्यूडो लगेगा a से नीचे आ रहा है तो स्यूडो लगेगा ऊपर की तरफ में ठीक नीचे की तरफ लग रहा होगा mg sin थीटा और इस डायरेक्शन में लग रहा होगा mg cos थीटा ठीक है तो अब क्या होगा कि ma जो है वो mg sin थीटा के बराबर हो जाएगा तो ये वाला जो दोनों फोर्सेस ये कट जाएंगे एक ही बचेगा mg cos थीटा अब mg cos थीटा जो है ये सरफेस के अब ये रूल है अपना कि जो नेट फोर्स होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर का रूल क्या मतलब ऑब्वियस सी बात है अगर अलोंग द सरफेस आ गया तो मोशन चालू हो जाएगा उसमें तो नेट फोर्स तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा ही तो इसका मतलब एक ही फोर्स बच रहा है mg cos थीटा तो यानी ये एंगल 90 होगा ये 90 तो तभी होगा ना जब अल्फा जीरो होगा तो अल्फा की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी ठीक है कोई डाउट इसमें किसी को ये देखें यहाँ पे क्यूबिकल कंटेनर है जी ये लंबाई एल है ये लंबाई एल है ये लंबाई भी एल के बराबर है और इसका जो बेस है उसको नाम दे दे रहा हूं मैं ए बी सी डी और जो टॉप सरफेस है उसको मैं पी क्यू आर एस बोल दे रहा हूं और ये कंटेनर चारों तरफ से बंद है मतलब पांच साइडें तो बंद होंगी होंगी नहीं तो पानी बह जाएगा सारा ऊपर से भी बंद है क्लोज्ड फ्रॉम द टॉप तो हर तरफ से ये कंटेनर बंद है और इस कंटेनर के अंदर रो डेंसिटी का लिक्विड जो है वो पूरी तरह से भरा हुआ है ठीक है तो क्वेश्चन में बोल रहा हूं द कंटेनर इज क्लोज्ड फ्रॉम ऑल साइड्स द कंटेनर इज क्लोज्ड फ्रॉम ऑल साइड्स एंड लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो कंटेनर इज क्लोज्ड फ्रॉम ऑल साइड्स एंड लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज फिल्ड कंप्लीटली इनसाइड Container is closed from all sides and a liquid of density rho is filled completely inside it. Question कह रहे हैं कई सारे क्वेश्चन में बनाने जा रहा हूं इसके अंदर सबसे पहले पहला पार्ट है फाइंड प्रेशर एट पॉइंट फाइंड प्रेशर एट पॉइंट क्यू
ये जो कंटेनर है ये हर तरफ से बंद है, पहले सवाल सुने, हर तरफ से बंद है और मतलब ऊपर नीचे सब जगह से बंद है और हम इसको ए एक्सेलेरेशन से लेके जा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन इसका ए के बराबर, मतलब एक्सेलेरेट भी करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये इसका हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन ए है, हर तरफ से ऊपर नीचे दाहिने बाएं सब जगह से बंद है, रो डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ है और इसका हर साइड एल के बराबर है। तो आपको जो क्यू पॉइंट है ना, ये क्यू पॉइंट जो जस्ट अंदर है, बाहर नहीं है क्यू, मतलब लिक्विड का जो पॉइंट है, तो ये क्यू पॉइंट जो है इस पर आपको प्रेशर बताना है, लिक्विड के अंदर जो क्यू पॉइंट है उस पर प्रेशर की वैल्यू बतानी है। देखिए मैं इसको बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें क्यू पॉइंट पे प्रेशर निकालना है। तो देखिए प्रेशर की वजह क्या हो सकती है, प्रेशर के तीन कारण हो सकते हैं अभी तक जो हमने पढ़े हैं। एक कारण ये हो सकता है कि एटमॉस्फेयर के कारण प्रेशर हो, लेकिन ये बंद है, ऊपर नीचे से हर जगह बंद है, तो एटमॉस्फेयर के कारण कोई प्रेशर नहीं आएगा। क्योंकि एक वजह ये होती है ग्रेविटी के कारण, जैसे जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे प्रेशर आता है, ये हाईएस्ट पॉइंट है उसकी वजह से भी कोई प्रेशर नहीं आएगा। एक कारण होता है एक्सेलेरेट करना, जैसे हम एक्सेलेरेट करा देंगे तो इधर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, तो यहां पर ये भी सबसे पहला ही पॉइंट है, तो जो प्रेशर बढ़ेगा वो तो पीछे जाने पे बढ़ेगा ना, तो यहां पे जो प्रेशर है उसका होने की कोई वजह नहीं है, ना ग्रेविटी के कारण हो सकता है यहां प्रेशर, ना खुला होता तो एटमॉस्फेयर के कारण होता, और एक्सेलेरेशन के कारण जैसे एक्सेलेरेट कराएंगे तो पीछे जाने पे प्रेशर बढ़ता है, लेकिन यहां तो ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, पहला ही पॉइंट है, जैसे ये आप समझे ये है, ये क्यूबिकल कंटेनर है, ये वाला पॉइंट मैंने लिया, तो जब मैं एक्सेलेरेट कराऊंगा तो पीछे आने पे प्रेशर बढ़ेगा। हाँ नहीं, पानी जाएगा, जाने का रास्ता ही नहीं है, बंद है पूरा, जाएगा कहीं नहीं, लेकिन प्रेशर जो होगा वो पीछे आने पे बढ़ेगा। पीए माइनस पीबी इक्वल टू रो एल जो फार्मूला बताया था उसके हिसाब से पीछे आने पे प्रेशर बढ़ता है, लेकिन ये सबसे आगे का पॉइंट है, तो यहां पर प्रेशर होने की कोई वजह ही नहीं है, तो पी पॉइंट पर क्यू पॉइंट पर जो प्रेशर आएगा वो जीरो आएगा, और इनफैक्ट क्यू पे नहीं, पूरी लाइन क्यू आर पे जीरो आएगा, ये जो पूरी लाइन क्यू आर है, पूरी लाइन क्यू आर पर जो प्रेशर आएगा वो जीरो के बराबर आ जाएगा, तो आर पर जो प्रेशर आएगा वो जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्यू पर प्रेशर जीरो के बराबर हो जाएगा, आर पर प्रेशर जीरो के बराबर हो जाएगा। अब हम प्रेशर पी पे निकालें, ठीक है, तो पी पॉइंट पर प्रेशर निकालो, निकालो पी पॉइंट पर प्रेशर बताओ, बिल्कुल पी पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, बहुत सिंपल सी बात है, फटाफट निकाल लेंगे प्रेशर, तो पी पॉइंट पे प्रेशर आएगा पी प्रेशर एट पी माइनस प्रेशर एट क्यू इज इक्वल टू रो ए एल, क्यू पे प्रेशर जीरो था तो पी का जो प्रेशर आएगा रो ए एल आ जाएगा। चलो बता दो भाई प्रेशर ए पर, बता दो प्रेशर एट पॉइंट ए, यहाँ पे प्रेशर बता, तो यहाँ पे अगर प्रेशर निकालना है तो इस पॉइंट का प्रेशर प्लस इतनी हाइट का प्रेशर, इस पॉइंट का प्रेशर जो है वो पी रो ए एल है, और यहां से यहां तक आने पर रो जी एल आ जाएगा, तो ए पॉइंट पर जो प्रेशर आएगा वो बराबर जाएगा रो ए एल प्लस रो जी एल, ये आ जाएगा, तो ए पॉइंट का प्रेशर होगा रो ए एल प्लस रो जी एल, ये ए पॉइंट पर प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, प्रेशर एट पॉइंट ए जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू रो ए एल प्लस रो जी एल। अभी अलग अलग पॉइंट पे हमने प्रेशर निकाले अलग अलग जगहों पर, जैसे आपसे कोई कहे डी पे बताओ प्रेशर, तो डी पे भी वही आएगा जो ए पर आएगा, आपसे कोई कहे बी पे बताओ, बी पे बी पर रोजीएल आएगा, जो यहाँ का प्रेशर होगा प्लस इतनी हाइट का प्रेशर, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसी के अंदर एक और सवाल मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन है फाइंड द फोर्स by liquid on face, force by the liquid on face BCRQ, liquid जो है इस face BCRQ पे कितना force लगा रहा होगा, force by the liquid on the face BCRQ। इसमें करने के तरीके अपने पास कई सारे हैं, जैसे मैंने कल पिछले लेक्चर में ये सवाल कराया था, इस तरह के सवालों में हम लोग एवरेजिंग कर देते हैं। एवरेजिंग का मतलब ये होता है कि जैसे किसी भी फेस पे हमें फोर्स निकालना है, तो हम एवरेज, चूंकि इंटीग्रेशन से मैंने करा रखा है ये सवाल, तो उसमें क्या होता है कि एवरेज वैल्यू निकाल लें प्रेशर की और उसकी एवरेजिंग कर दें। तो जैसे यहां पर देखें तो प्रेशर जीरो आ रहा है, यहां पर रू जी एल आ रहा है, तो यहां पर जो फोर्स है ना वो फोर्स हम ऐसे निकाल सकते हैं, एवरेज प्रेशर इंटू एरिया, एवरेज प्रेशर आ जाएगा रो जी एल बाई टू इंटू एल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा
रो जी एल क्यूब बाई टू आ जाएगा सिंपल। इंटीग्रेट करके तो भी यही आएगा, इंटीग्रेट करके ही बताया था मैंने। अगला क्वेश्चन फाइंड फोर्स बाय लिक्विड ऑन फेस पी क्यू आर एस यानी जो टॉप सरफेस है उसके ऊपर लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा होगा। फोर्स बाय लिक्विड ऑन द फेस पी क्यू आर एस टॉप सरफेस पे कितना फोर्स लगा रहा होगा। जैसे यहां से यहां जाएंगे प्रेशर लीनियरली वेरी करेगा, तो इसमें भी हम लोग एवरेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहां पे एवरेज निकालना चाहते हैं तो एवरेज फोर्स एवरेज प्रेशर, यहां पे प्रेशर जीरो है, यहां पे प्रेशर रो ए एल होगा, तो एवरेज प्रेशर जो आएगा वो आ जाएगा रो ए एल बाई टू इन टू इसका एरिया, एरिया कितना हो जाएगा एल स्क्वायर, तो ये जाएगा रो ए एल क्यू बाई टू, ये फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी साइड पे अगर फोर्स निकालना चाहते हैं तो प्रेशर इनटू एवरेज प्रेशर इनटू एरिया से ये आ जाएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पर रोटेटिंग ड्रम का एक खास तरह का सवाल आता है, वो मैं सिखाने जा रहा हूं। रोटेटिंग ड्रम, रोटेटिंग ड्रम, रोटेट करने वाला ड्रम। तो जैसे मान लीजिए कि ये एक ड्रम है और ये जो ड्रम है ये रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस के अबाउट, ऐसा ड्रम होगा इस तरह का, और ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ये इसकी एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, इसका रेडियस आर के बराबर है। ठीक है, और जैसे ड्रम रोटेट कर रहा है और कैसे भी करके हम उसके साथ साथ लिक्विड भी रोटेट कर रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्रम रोटेट कर रहा है, जो इसके अंदर लिक्विड भरा है वो भी रोटेट कर रहा है। तो अगर लिक्विड भी रोटेट कर रहा है तो लिक्विड रोटेशन अगर कर रहा होगा तो बाहर की तरफ भागेगा, तो ड्रम का जो सरफेस होता है ना वो जैसा कर्व हो जाता है। अगर ड्रम रोटेट कर रहा है और उसके साथ साथ लिक्विड भी रोटेट कर रहा है उसी एंगुलर वेलोसिटी से जैसे ड्रम रोटेट कर रहा है, तो लिक्विड का जो सरफेस होता है वो कर्व हो जाता है। अब ये जो कर्व बनता है ये कर्व किस टाइप का होता है और इसका क्या इक्वेशन होता है ये मैं देखने जा रहा हूं। मान लेता हूं एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा है और मैं इसको ओरिजिन मानते हुए इसको एक्स एक्सिस मान सकता हूं, इसको वाई एक्सिस मान सकता हूं। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट पर यहां पर इस जगह पर जैसे ये दूरी मैंने एक्स मान ली, तो यहां पर मैं इसके ऊपर अगर फोर्स देखूंगा तो एक तो फोर्स इस पर नीचे की तरफ लग रहा होगा एम जी, हाँ, और एक फोर्स इस पर बाहर की तरफ लग रहा होगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये लग रहा होगा। और जो भी नेट फोर्स होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ऐसा हो जाएगा। अब मैं इसके ऊपर, अब ये जो कर्व है इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं और इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं, तो टैन थीटा जो आएगा ये किसके बराबर जाएगा dy by dx, tan थीटा की वैल्यू dy by dx के बराबर आ जाएगी, और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, हा? और यहां से देखें tan थीटा जो है ये वाले ट्रायंगल में, तो ये आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर x और ये mg, तो यही tan थीटा बराबर हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर x अपॉन mg, ये हो जाएगा dy by dx, m से m चला जाएगा। और अब अगर हम आगे लिखेंगे इसको तो dy जो आएगा ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x dx। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो x की वैल्यू 0 से x ले लेते हैं, इसकी 0 से y ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं तो अच्छा कहीं g भी था ना, हाँ g नहीं g भी है, तो इसकी वैल्यू अगर हम लेंगे तो y इज इक्वल हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 2g, ये y की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर कोई ड्रम रोटेट कर रहा है तो उसके जो इसका जो सरफेस होगा वो पैराबोलिक बन जाता है, पैराबोलाइड होता है बेसिकली, पैराबोला तो प्लेन में होगा, पैराबोलाइड उसी को घुमा दो तो उसको 3D में आ जाता है, तो पैराबोलाइड हो गया ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर। ठीक है, अब जैसे कहीं भी पूछा जा सकता है कि भाई कितनी हाइट है इसकी, हाइट है तो अगर आपको रेडियस दिया हुआ है तो एक्स की जगह आर कर देंगे तो ये वाली वैल्यू पता चल जाएगी आपको, अगर ये दिया हुआ है तो टोटल इसकी हाइट आपको पता चल जाएगी। तो ये रोटेटिंग ड्रम का केस है, इसको नोट कर लीजिए।